हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर टच करके वो भी देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स इज 90 रुपीज़, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, 2 पेन एंड 3 इरेजर्स इज 70 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सो हमें क्वेश्चन में 3 कंडीशन गिवन है, ठीक है। और हमें क्या बताया, हमें फाइंड करना है हर एक आइटम का कॉस्ट, ठीक है, दैट इज़ पेंसिल, पेन एंड इरेजर के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। सो सबसे पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स रुपीज, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई रुपीज, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज जेड रुपीज, ओके। सो हमने हर एक आइटम का प्राइस हमने कंसिडर किया है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, ठीक है। उन 3 कंडीशन से हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस बनाएंगे नाउ, ओके। नाउ गिवन कंडीशंस आर, तो सबसे पहले क्या है, 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर, ठीक है, दैट इज 4x प्लस 3y प्लस ट्वाइस z इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। देन सेकंड कंडीशन, 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 6 इरेजर, दैट इज 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 रुपीज़, दैट इज 90। एंड थर्ड कंडीशन इज, वेयर एज 6 पेंसिल, 2 पेन, 3 इरेजर, दैट इज 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 3z इज इक सॉरी 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ओके। सो हमें 3 इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करना है हमें और एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि हम इन्वर्सन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और रिडक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन्वर्सन मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना होगा, जिसके लिए हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा, ओके। तो उससे काफ़ी टाइम भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। देयरफॉर फोर थ्री टू 2 4 6 2 4 6 6 2 3, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने तीनों भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखा है, देन सेकंड मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड, एंड लास्ट मैट्रिक्स में वैल्यू 60 90 एंड 70, ओके। सो रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 रोज है, ठीक है, R1, R2, R3। हमें इनमें से कोई भी एक रोज की
जो एलिमेंट है उसे जीरो करना है, किसी भी एक रो का एक एलिमेंट जीरो करना है, ठीक है, और दूसरे रो का दो एलिमेंट जीरो करना है, ठीक है। यानी कि ऐसे हमें टोटल तीन एलिमेंट जीरो करना है, एक रो का एक और दो सेकंड रो के कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे फोर ला के 4 माइनस 4 जीरो कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर टू चेंज आर वन माइनस ट्वाइस आर टू, देयर फोर फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 4 माइनस 4 जीरो, 3 माइनस 8 -5, 2 माइनस 12 -10, थर्ड रो एज इट इज, ठीक है। देन एक्स वाई जेड एज इट इज, 60। अब सेकंड रो में हमें क्या करना है, आर टू माइनस ट्वाइस आर वन माइनस ट्वाइस आर टू, दैट इज 60 माइनस 180 -120 एंड 70 एज इट इज, ठीक है। अब ये जीरो हो गया है, अब हमें किसी और रोज के दो एलिमेंट जीरो करना है, हम इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे कोई दो एलिमेंट जीरो करना है, तो अगर यहाँ पे जीरो करने गए तो हमें इसे 12 करना होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 12 करके माइनस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर थ्री चेंज 3 R1, दैट इज 3 × 4 = 12 -2 R3, दैट इज 2 × 6 = 12, 12 - 12 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें जीरो मिल जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो 3 R1 - 2 R2, दैट इज 12 - 12 जीरो, देन 9 - 4 5, देन 6 - 6 जीरो, ठीक है। ये दो हमें जीरो मिल गए एलिमेंट। देन एक्स वाई जेड, और यहाँ पे 60 120 माइनस 3 × 60 180 -140, 2 × 70 140, सो 180 -140 दैट इज 40। सो हमें इस एलिमेंट का, इस रो का एक एलिमेंट जीरो मिल गया और सेकंड रो का हमें दो एलिमेंट जीरो मिल गया, ठीक है। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। या तो हम इसे टोटल भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब हम डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल्स को इसके साथ। नाउ एक्स इंटू 4 4x प्लस वाई इंटू 3 3y प्लस जेड इंटू 2 2z इज इक्वल टू 60, इक्वेशन वन। देन एक्स इंटू 0 0 -5 × y -5y प्लस -10 × z माइनस हो जाएंगे, ठीक है, -10z इज इक्वल टू -120। इसको इक्वेशन टू दे दो, यहाँ पे जीरो लिख दो चाहे तो, ठीक है। देयरफॉर 0 × x 0 प्लस 5y प्लस जेड इंटू 0 0 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 5 8 40, दैट इज वाई की हमें वैल्यू मिल गई है 40, इक्वेशन थ्री। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। नाउ इक्वेशन टू बिकम्स -5 × y, दैट इज 8, -10 × z इज इक्वल टू -120, -40 -10 z इज इक्वल टू -120, -40 उधर चल जाएगा +40 हो जाएगा, देयरफॉर -10 z इज इक्वल टू -120 +40,
सो माइनस 10z इज इक्वल टू माइनस 80, देयर फोर जेड इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 80 अपॉन 10 8। ओके हमें जेड की वैल्यू भी मिल गई है, अब हम वाई और जेड की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे, देयर फोर इक्वेशन वन बिकम्स 4x प्लस 3y, y की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे, प्लस ट्वाइस z, z की जगह पे भी हम 8 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 60। देयर फोर 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 12, सॉरी 3 8 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 60। 28 प्लस 16 40, 60 माइनस 40, देयर फोर 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 40 20 हो जाएगा, देयर फोर x इज इक्वल टू 4 5 20, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 5। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 8, देयर फोर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x मीन्स 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज y, y की वैल्यू थी 8 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर दैट इज ऑल्सो 8 रुपीज, ठीक है, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ थ्री नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, इफ 2 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट 8, and if the 3 times of first number is added to the first to the sum of second and third then we get 4, find the numbers using matrices। so हमें numbers find करना है, उनकी condition यहाँ पे given है, ठीक है, 3 different condition given है, so consider this numbers r x y and z, okay, by first condition, so kya hai first condition, kya hai, the three number are added their sum is 2, इन तीनों नंबर्स की जो सम है वो कितनी आती है, 2 आती है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन वन दे दो, देन बाय सेकंड कंडीशन, इफ 2 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर दैट इज सेकंड पे y है तो 2 टाइम्स मीन्स 2y इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसे सब्सट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज एक्स प्लस जेड में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सो वी गेट 8, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है, देयरफॉर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स माइनस ट्वाइस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन मिली, इक्वेशन 2 दे दो इसे, देन बाय थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है इफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज 3 इंटू एक्स एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर दैट इज में सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर हमें ऐड करना है तो हमें कितना मिलेगा, 4। सो इस तरह से हमें तीन इक्वेशंस मिल गई है, इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का यूज करके, मैट्रिसेस का यूज करके
इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना होगा। ओके, सो नाउ राइट दिस इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का कोएफिशिएंट वन है, वन वन वन। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे वन माइनस टू एंड वन। थर्ड इक्वेशन में थ्री वन वन इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू टू एट एंड फोर। ठीक है, सो हम रिडक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, रिडक्शन मेथड के लिए हमें किसी भी मिनिमम किसी भी रो, एक रो का एक एलिमेंट जीरो चाहिए और दूसरी रो के दो एलिमेंट जीरो चाहिए, ठीक है। मिनिमम, ज़्यादा जीरो रखेंगे तो चलेगा, अगर हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर देते तो भी चलेगा, बट उसके लिए हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हमें जितना मिनिमम कंडीशन है हम उतना ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जीरो लाने के लिए हम आर वन माइनस आर टू कर सकते हैं, आर टू चेंज आर वन माइनस आर टू, ठीक है। उसी साथ में हम यहाँ पे भी जीरो ला सकते हैं, दोनों हम एक साथ ऑपरेट कर देंगे, आर थ्री चेंज आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है। हम एक साथ दोनों दो ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंस रोस पर। देयरफॉर इक्वेशन वन, सॉरी फर्स्ट रो एज इट इज, देन सेकंड रो आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस माइनस टू डेट इज वन प्लस टू थ्री एंड जीरो। देन आर थ्री, आर वन माइनस आर थ्री, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस वन जीरो एंड जीरो। एक्स वाई जेड एज इट इज दैट इज इक्वल टू टू, टू माइनस एट माइनस सिक्स, टू माइनस फोर माइनस टू। ओके, देन हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, नाउ एक्स इंटू वन एक्स प्लस वाई इंटू वन वाई प्लस जेड इंटू वन जेड इज इक्वल टू टू। देन एक्स इंटू जीरो जीरो प्लस वाई इंटू थ्री थ्री वाई प्लस जेड इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है। हमें मिला थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसको इक्वेशन ए दे दो। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय टू, वाई इज इक्वल टू माइनस सॉरी सिक्स बाय थ्री माइनस टू। हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। देन थर्ड इक्वेशन टू इंटू एक्स इंटू माइनस टू दैट इज माइनस ट्वाइस एक्स प्लस जीरो इंटू वाई जीरो, जीरो इंटू जेड जीरो, प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस टू। यहाँ पे भी हम जीरो लिख सकते, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो देयरफॉर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस गेट कैंसल, एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। सो इक्वेशन ए बिकम्स एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो एक्स की जगह पे टू पुट कर देंगे, वाई की जगह पे माइनस टू प्लस जेड, सॉरी एक्स की वैल्यू वन हो जाएंगे, ठीक है, टू अपॉन टू वन। सो वन प्लस माइनस टू प्लस जेड इज इक्वल टू टू, देयरफॉर माइनस वन
वन माइनस टू माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल टू टू, माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू टू प्लस वन दैट इज थ्री, देयर फोर जेड इज इक्वल टू थ्री. सो हेंस थ्री नंबर्स आर वन माइनस टू एंड थ्री. ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फाइव, टोटल कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन सेट एंड टू VCR इज 35,000. द शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टेलीविजन एंड 500 रुपीज पर VCR. ही कैन सेल टू टेलीविजन सेट एंड वन VCR एंड गेट द टोटल रिवेन्यू ऑफ 21,500 रुपीज. ओके, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR. तो हमें टीवी एंड VCR की कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. सॉल्यूशन, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन VCR इज वाई रुपीज. ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन ठीक है, क्या दिया दिया हुआ है हमें, थ्री टेलीविजन सेट एंड टू VCR इस टोटल कॉस्ट कितना है 35,000. सो थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3500 एंड जीरो. ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन वन दे दो एंड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट ऑफ 100,000 रुपीज पर टेलीविजन एंड 500 रुपीज पर VCR. ठीक है, ये उसे इतना प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, तो हम लिख सकते सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी. ठीक है, हमने क्या करा था, कॉस्ट प्राइस कितना लिया था हमने, एक्स कंसीडर किया था. ठीक है, तो शॉप के ऊपर कितना चाहिए, एक टीवी के ऊपर 1,000 रुपीज़ को प्रॉफिट चाहिए. तो उन्हें क्या करेंगे, जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसमें 1,000 रुपये ऐड कर देंगे, दैट इज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1,000. ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस टीवी का और उसी के लिए VCR के लिए वन VCR इज. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है वाई है, उसे हर एक पे कितना चाहिए 500 रुपीज़, VCR पे कितना 500 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए. ठीक है ना, तो उसने क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में 500 ऐड कर देगा. तो ये हो गई सेलिंग प्राइस और ये हो गई कॉस्ट प्राइस. ठीक है, हमने कंसिडर किया. ठीक है, सो बाय गिवन कंडीशन टू टेलीविजन सेट एंड वन VCR, तो टू इंटू सेलिंग प्राइस के लिए सेल कर रहा है उन्हें. ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, एक्स प्लस 1,000 वन VCR दैट इज के वाई प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500 रुपीज़. ठीक है, 21,500. तो इसे इक्वेशन नहीं, अभी रुक जाओ. देयर फोर टू से मल्टीप्लाई करने पे ट्वाइस एक्स प्लस 2,000 प्लस वाई प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500. देयर फोर
ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 2500 इज इक्वल टू 21,500। इधर सब्सट्रैक्शन में चल जाएंगे, देयर फॉर ट्वाइस वाई ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 21,500 माइनस 2500, सो रिमेनिंग 19,000। इसे हम इक्वेशन टू दे सकते हैं। अब इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नाउ राइट इक्वेशन वन एंड टू इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो व्हाट वी गेट, कोएफिशिएंट एक्स एक्स का 3 है, वाई का 2 है, ठीक है। सो 3 2, यहाँ पे 2 एंड 1 इंटू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 35,000 एंड 19,000। सो हम रिडक्शन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी एक एलिमेंट को हमें जीरो करना है, हम इसे जीरो कर सकते हैं, ठीक है। सो आर टू चेंज आर वन माइनस ट्वाइस आर टू, ओके, देयरफॉर 3 2 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। एक्स वाई थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस 19 इंटू 2 38, 35 माइनस 38 माइनस 3000, ओके। अगर यहाँ नहीं समझ रहा हूँ तो आप साइड में कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ओके। देयरफॉर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000 एंड माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 3000। देयरफॉर माइनस माइनस गेट कैंसल, x इज इक्वल टू 3000। इसे इक्वेशन ए पुट दे दो, x की वैल्यू हमें मिली 3000 रुपीज़। सो इक्वेशन ए बिकम्स 3 into 3000 प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000, देयरफॉर दैट इज 9000 प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 35,000, ओके। Therefore, twice y minus, so 26,000, therefore y is equal to 13,000, okay. So, हमें y की value मिल गई है 13,000, hence, the cost of one television is 3000 rupees and the cost of one VCR is 13,000 and selling price of one TV is, हमने consider किया था x plus 1000, so 3000 plus 1000 that is 4000 rupees and selling price of
वन वी सी आर इज वाई प्लस 500, दैट इज 13,000 प्लस 500, दैट इज इक्वल टू 13,500 रुपीज. सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी वी एंड वी सी आर एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टी वी एंड वी सी आर. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है. अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.